सो क्वेश्चन नंबर थर्टी वन इज अमंग द फॉलोइंग हु आर एलिजिबल टू बेनिफिट फ्रॉम महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट यू नो दर इज़ अ स्कीम कॉल्ड द एम जी नरेगा स्कीम तो एम जी नरेगा स्कीम में कहा गया हुआ है कि हु आर एलिजिबल फॉर द बेनिफिट फॉर द नेशनल महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट इट इज़ कंसर्न अबाउट द रूरल कैटेगरी ओके तो यहाँ पर कंप्लीट उनको एम्प्लॉयमेंट मिलती है यहाँ पर So you can see that uh, the all adult members, okay, the all adult members of the household who registered can apply for work. And to register, they have to be local resident. Ko be local resident hai? So an all adult member of the household who registered can apply for the work, and for register, they have to be the local residents. So all adult members of all household can be the member of or can be the एलिजिबल टू द बेनिफिट सो फर्स्ट ऑप्शन में कहा गया था अडल्टनली शेड्यूल कास्ट ऐसा कोई भी नहीं रीजन है ऑल अडल्टर ऑफ द बिलो पॉवर्टी लाइन ऐसा भी कुछ नहीं है कुछ भी नहीं है सो एनी हाउस होल्ड एन अडल्ट में आर एलिजिबल ओके इन स्कीम विच इज कॉल्ड द एम जी नरेगा स्कीम महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी टू सो क्वेश्चन नंबर थर्टी टू सेज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स वुड रिजल्ट एंड इंक्रीज़ इन द मनी सप्लाई इन द इकानमी इसमें ज़रा फोर ऑप्शंस तो इसमें कहा गया हुआ है कि जो मनी सप्लाई की बात की जा रही है एक इकॉनॉमी में मनी सप्लाई कैसे इंक्रीज़ होगी देखिए मनी सप्लाई तभी इंक्रीज़ होती है अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है सबसे पहले तो सो विच ऑफ़ द फॉलोइंग मेजर वुड रिजल्ट इन एंड इंक्रीज़ इन द मनी सप्लाई इन द इकॉनॉमी तो एक इकॉनमी में मनी सप्लाई के रीजंस क्या हैं इंक्रीज़ होने के फर्स्ट ऑफ ऑल परचेज़ ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ फ्रॉम द पब्लिक बाय द सेंट्रल बैंक देखिए सेंट्रल बैंक जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक हैं उनसे सिक्योरिटीज़ परचेज करेंगी और सिक्योरिटीज़ परचेज करेंगी तो तो क्या होगा उनको उनके बदले में पैसा दिया जाएगा और पब्लिक सेक्टर बैंक वही पैसा आगे फर्दर बोरर्स को लेंड करेंगे तो जैसे मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी और सेकेंड है बोरिंग बाय गवर्नमेंट फ्रॉम द सेंट्रल बैंक और सेंट्रल गवर्नमेंट से अगर गवर्नमेंट पैसा बोरो करे ठीक है तो इन दोनों केसेस में मनी सप्लाई इंक्रीज होती है सो परचेज़ ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ फ्रॉम द पब्लिक बाय द सेंट्रल बैंक तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट एंड थर्ड ऑप्शन इज़ बोरिंग बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द सेंट्रल बैंक दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट अब यहाँ पर लिखा हुआ डिपॉजिट ऑफ करेंसी इन द कमर्शियल बैंक द पब्लिक देखिए पब्लिक जितनी भी पैसा है अगर पब्लिक सेक्टर बैंक में जमा करवाएगी तो तो पैसा वो तो बैंक में जाना शुरू होता जा रहा है ठीक है तो उनसे उनकी जो इकोनमी है वो मनी सप्लाई कम हो जाएगी तो सेकेंड ऑप्शन रॉन्ग तो सेकेंड ऑप्शन रॉन्ग हो गया एंड सेकेंड एंड फोर्थ ऑप्शन इज सेल ऑफ़ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ टू पब्लिक बाय द सेंट्रल बैंक ठीक है सेल ऑफ़ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू पब्लिक देखिए अगर सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ सेल करेगी पब्लिक को तो पब्लिक से पैसा उनको सेंट्रल बैंक के पास चला जाएगा तो यहां पर पब्लिक के पास पैसा कम होगा तो यहां पर भी मनी सप्लाई कम हो जाएगी सो दैट्स वाई आंसर हियर इज सी फर्स्ट एंड थर्ड ओके नाउ द क्वेश्चन नंबर थर्टी थर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग शेल कोस एवरी रिकमेंडेशन मेड बाय फाइनेंस कमीशन टू बी लेट बिफोर द ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट सो हु ऑफ द फॉलोइंग शेल कोर्स एवरी रिकमेंडेशन मेड बाय फाइनेंस कमीशन अगर फाइनेंस कमीशन की कोई भी रिकमेंडेशन आती है तो उसको फर्दर कहाँ पर लेकर जाना है बिफोर ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ये कौन ये ओके हु इज़ द मेन परस्पेक्टिव बिहाइंड दिस तो आंसर है यहाँ पर प्रेजिडेंट बिकॉज एज पर द प्रोविजन और एज पर द आर्टिकल नंबर टू एट्टी वन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज आर्टिकल नंबर टू एट्टी देर इज अ फाइनेंस कमीशन तो फाइनेंस कमीशन इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट और एज फार अंडर आर्टिकल टू एट्टी वन तो टू एट्टी वन में क्या कहा गया हुआ है दैट रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन टू गो टू प्रेजिडेंट हुट्यूशन बाउंड टू प्लेस इट बिफोर द टू हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इसमें यह कहा गया हुआ है कि फाइनेंस कमीशन कोई भी रिपोर्ट देगा वो रिपोर्ट किसके पास जाएगी प्रेजिडेंट के पास और प्रेजिडेंट फर्दर उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट के दोनों हाउस में सबमिट करेगा ओके वे द लोकसभा एंड राज्यसभा तो दिस इज अंडर द आर्टिकल नंबर टू एट्टी वन ओके सो दैट्स वाई आंसर हेयर इज प्रेजिडेंट क्लियर दिस इज द क्वेश्चन नंबर थर्टी थर्ड नाउ द क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर ऑन योर स्क्रीन द क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर इज़ प्रधानमंत्री जन धन योजना बिकॉज ये प्रधानमंत्री जन धन योजना ये क्वेश्चन टू थाउजेंड फिफ्टीन में यू पी एस सी में पूछा गया था और प्रधानमंत्री जन धन योजना ये दो तो हज़ार चौदह में बाय द मोदी गवर्नमेंट जब मोदी की सरकार आई थी बीजेपी तो उन्होंने प्रधानमंत्री जन धन योजना स्टार्ट की थी प्रधानमंत्री जनधन योजना है कि ईच एंड एवरी पर्सन कनेक्टेड विद द बैंक्स ठीक है रूरल एरिया में रिमोटेस्ट एरिया में बैंकिंग फैसिलिटीज जा सके तो डेट इज़ अ प्रमोट द फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द कंट्री तो यहाँ पर जो बेस्ट ऑप्शन है वो है फाइनेंशियल इंक्लूजन कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैंकिंग के साथ जुड़ सके प्रधानमंत्री जनधन योजना इज़ अ नेशनल मिशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन टू एंश्योर एक्सेस टू द फाइनेंशियल सर्विसेज नेमली बैंकिंग सेविंग डिपॉजिट अकाउंट्स रिमिटेंस क्रेडिट इंश्योरेंस पेंशन इन अफोर्डेबल मैनर तो ये सारी सर्विसेज उनको बैंक से मिल सकें और वो बैंक के साथ मैक्सिमम जुड़ सकें

ठीक है शॉर्ट टर्म के लिए उसको कहते हैं रेपो रेट मनी देते हैं तो रेपो रेट एट विच अ बैंक बोरो फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन है अ वैल्यू ऑफ वन फॉर गिनी कफिशियंट इन अ कंट्री गिनी कॉफिशियंट देर इज अ ग्राफ होता है जहां पर इनकम इन के रिगार्डिंग ग्राफ बताया जाता है द वैल्यू ऑफ वन ऑफ गिनी ऑफिशियंट इन द कंट्री इंप्लाइज दैट देर इज अ परफेक्ट इक्वल इनकम फॉर एवरी इट्स पॉपुलेशन अगर वहाँ पर गिनी कोफिशेंट वन है तो गिनी कोफिशेंट वन का मतलब होता है कि पॉपुलेशन में इक्वालिटी है इनइलिटी बिल्कुल भी नहीं है तो ये ऑप्शन गलत गया बिकॉज रेपो रेट तो मैंने भी बता ही दिया रेपो रेट तो करेक्ट है रेपो रेट रेट एट विच अ कमर्शियल बैंक बोरो फंड फ्रॉम आर बी आई एंड रिडक्शन इन द रेपो रेट विल हेल्प बैंक टू गेट्स मनी फ्रॉम द सेंट्रल बैंक एट अ चीपर रेट जितना रेट कम होगा एंड द रेपो रेट रेपो रेट की फुल फॉर्म होती है रीपरचेजिंग एग्रीमेंट रेपो रेट इंक्रीज बोरिंग फ्रॉम आरबीआई बिकम मोर एक्सपेंसिव तो पहला ऑप्शन तो करेक्ट है अब यहाँ पर बताया गया है जीरो और वन के कंसिडर में यहाँ पर वैल्यू वन नहीं है वन का मतलब होता है कंप्लीट इन कंप्लीट इन इनइक्वैलिटी और जीरो का मतलब होता है कंप्लीट इक्वेलिटी द वैल्यू ऑफ जीरो फॉर अ गिनिंग ऑफिशियर इज अ परफेक्ट इक्वालिटी एंड वैल्यू ऑफ वन

ठीक है लाइक एस बी आई बैंक है पंजाब नेशनल बैंक है महाराष्ट्र बैंक है तो जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक हैं नेशनलाइज बैंक इनके जो सेविंग रेट के ऊपर इंटरेस्ट कौन फिक्स करता है इट इज़ फिक्सड बाई आर बी आई तो सबसे पहले तो आर बी आई इसको फिक्स करता होता था ठीक है बट टू थाउजेंड इलेवन में ठीक है नाइनटीन सिक्सटी नाइन के बाद हो तो ये पब्लिक सेक्टर बने तो नाइनटीन सिक्सटी नाइन से लेकर टू थाउजेंड इलेवन तक तो आर बी आई फिक्स करता था पर 2011 के बाद आर ने ये कमर्शियल बैंक को कह दिया यू कैन यू कैन चेंज योर रेट्स ओके सो आर बी आई परमिटेड द कमर्शियल बैंक टू फिक्स इंटरेस्ट रेट ऑन सेविंग अकाउंट इंडिपेंडेंटली अब कोई भी कमर्शियल बैंक अपने रेट फाइनल कर सकता है सो देर इज नो रिकमेंडेशन बाय द एस बी सी नो मैंडेटरी बाय द एस पी आई सोसर देयर इज नन ऑफ अबव आर बी आई के द्वारा ये फिक्स नहीं होते टू थाउजेंड इलेवन तक ही फिक्स होते थे ओके सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स नाउ द क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन इज ऑन योर स्क्रीन क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन कहता है द वासुदेव कुटुम्बकम विच मीन्स द वर्ल्ड इज वन फैमिली ठीक है ये उपनिषद है तो वासुदेव कुटुम्बकम वासुदेव कुटुम्बकम का मतलब होता है हमारी वर्ल्ड एक पूरी फैमिली है तो ये किस में है तो ये किस चीज़ कौन से उपनिषद में ये देखने को मिला है वासुदेव कुटुम्बकम इज अ संस्कृत फेस फाउंड इन हिंदू टेक्स्ट इन महा उपनिषद तो ये महा उपनिषद में ये फ्रेज मिला था इसका मतलब होता है वर्ल्ड इज अ वन फैमिली ओके सो वासुदेव कटुम्बकम द वर्ल्ड इज वन फैमिली इन महा उपनिषद ठीक है सो क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन डन क्वेश्चन नंबर थर्टी एट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल लेबरल इज रिलीज बाय जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है सीपीआई फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल लेबर ये कौन रिलीज करता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सो so, आंसर है लेबर ब्यूरो सो लेबर ब्यूरो हु रिलीज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल लेबर ठीक है एग्रीकल्चर एंड रूरल लेबर दिस इंडेक्स इज रिलीज बाय द लेबर ब्यूरो ना तो क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन इज गैरोल इन मेघालय ठीक है जोग्राफी का क्वेश्चन है ये गैरो एंड खासी हिल्स आर एक्सटेंशन ऑफ पूर्वांचल इन मेघालय फॉर्मिंग वाटर डिवाइड बिटवीन ब्रह्मपुत्रा एंड बराक रिवर तो जो गैरो और खासिया हिल्स है लेट मी शो यू द गैरो एंड खासिया हिल्स तो यू कैन सी हेयर इज़ अ मेघालय तो ये है गैरो एंड ऑल ठीक है मेघालय में गैरो हिल्स खासी हिल्स ओके okay? गैरो खांसी और जंतिया तीन हिल्स होती हैं क्लियर गैरो खासी एंड जंतिया इस तरह से ऑर्डर की जाती है मेघालय में सो गैरो एंड खासी हिल्स आर एक्सटेंशन टू पूर्वांचल इन मेघालय फॉर्मिंग वाटर डिवाइड बिटवीन ब्रह्मपुत्रा एंड बराक रिवर इसमें कहा जा रहा है कि ब्रह्मपुत्रा और बराक रिवर के बिटवीन ये डिवाइड है ये गलत है ठीक है बिकॉज गैरो एंड खासी आर एक्सटेंशन टू द पेरिनसोलर पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट ठीक है दीज आर द एक्सटेंशन ऑफ द पेरिनसोलर पार्ट ओके अलॉन्ग विद द कार्बी एंगोंग प्लेट्यू इन मेघालय प्लेट्यू सो कम्प्राइज ऑफ गैरो खासी एंड जनतिया एंड इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेट्यू तो ये आपका है ये छोटा नागपुर प्लेट्यू से सेपरेटेड है एंड बाय द मालडा फोर्ट इन बंगाल तो मालडा फोर्ट इसमें है बंगाल में ठीक है मालडा फोर्ट इन बेंगाल तो ये सेपरेट करता है गैरो खासी जंतिया को और मेघालय करो फ्रॉम द पेनसुला और ये पूर्वांचल की एक्सटेंशन नहीं है तो so, पहला ऑप्शन तो गलत गया सेकेंड है राजमहल हिल्स आर फॉर्म फ्राम रॉक डेटिंग फ्राम जुरैसिक पीरियड जो राज हिल्स हैं नेम्ड आफ्टर द टाउन ऑफ राजमहल विच इज लार्ड इन द ईस्ट ऑफ द स्टेट ऑफ द झारखंड तो अगर आप पिक्चर देखोगे झारखंड तो झारखंड में आपको राजमहल हिल्स देखने को मिल रहे हैं ओके okay? so, है. तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है फर्स्ट तो रॉन्ग हो गई क्योंकि ये मेघालय पूर्वांचल नहीं आएगा यहाँ पर यहाँ पर आपका आएगा छोटा नागपुर प्लेट ओके नॉर्थ पर्वाचल सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट राजमहल हिल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द रॉक डेटिंग फ्रॉम जोरेसिक पीरियड ए नेम आफ्टर द टाउन ऑफ राजल विच लाइज इन द ईस्ट ऑफ द झारखंड तो सेकेंड इज करेक्ट नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गुप्ता रूल इन इंडिया गुप्ता रूलर्स की बात की जा रही है द प्रयाग प्रस्ती विच इज ऑल्सो नोन एज अलाहाबाद पिल्लर इंस्क्रिप्शन वाज कंपोस्ड बाई हरी सेना बान बट एज अ कोर्ट पॉइंट ऑफ अ समुद्र गुप्त एंड प्रयाग प्रस्ती वाज कंपोज इन द फ्रेस ऑफ समुद्र गुप्त बिकॉज ये तीनों के तीनों क्वेश्चन है यूपीएससी में ऑप्शन पूछी गई है बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है गुप्ता रूलर को लेकर यू you नो know, जो प्रयाग प्रयागप्रस्ती विच इज़ कॉल्ड अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन क्योंकि अलाहाबाद प्रयाग भी है वाज कम्पोस्ट बाय हरी सेना ये तो बिल्कुल करेक्ट है प्रयाग प्रयागप्रस्ती को किसने कम्पोज किया गया हुआ है हरी सेना के द्वारा तो हरी सेना कम्पोस्ट ऑफ प्रयागप्रस्ती एंड हरी सेना वाज द कोर्ट पॉइंट ऑफ समुद्र गुप्त और हरी सेना समुद्र गुप्त जो वहाँ पर सेकेंड गुप्ता रूलर थे बड़े फेमस आफ्टर द चंद्रगुप्त उसके कोर्ट के पॉइंट थे वेयर द बान बट वाज द कोर्ट पॉइंट ऑफ हर्षवर्धन गुप्ता के बाद हर्षवर्धन डायनेस्टी आती है और हर्षवर्धन डायनेस्टी के जो वर्धन थे हर्षवर्धन उनके कोर्ट के पॉइंट होते थे बानब एंड द प्रयाग प्रयागपरस्ती कंपोस्ट इन द फ्रेस ऑफ समुद्र गुप्त इन द संस्कृत ओके सो बानब वाला ऑप्शन गलत यहाँ पर ऑप्शन पूछा गया इनकरेक्ट पूछा गया हुआ है ओके यू कैन सी तो बान बट ही इनकरेक्ट है बाकी तो करेक्ट है प्रयाग प्रयागप्रस्ती हरिसेना के द्वारा इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन और प्रयाग समुद्र समुद्रगुप्त के फ्रेसिस पे है तो फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है सेकंड इनकरेक्ट था यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा गया था तो सेकंड इज आंसर ओके सो वी हैव डन क्वेश्चन फोर्टी तो थर्टी वन से फोर्टी एंड दिस इज माई क्लास फोर्थ ओके आई होप यू लाइक दिस काइंडली शेयर माई वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू